हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एस एडवेंचर चैनल में। और आज हम लोग करंट एक्टिविटी की आगे की पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स में, इलेक्ट्रिकल पावर। तो बच्चों, पावर का डेफिनेशन कुछ भी हो, पावर का एक ही डेफिनेशन होता है। पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क, है ना। कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं पावर। कार्य करने का रेट को बोलते हैं पावर। किस रेट से हम लोग काम को कर रहे हैं। कोई बच्चा जो है सीढ़ी बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाता है, कोई बच्चा जो है सीढ़ी बहुत धीरे धीरे चढ़ता है। तो जो ज्यादा तेजी से चढ़ रहा है उसको बोलेंगे उसका पावर ज्यादा है, क्योंकि उसी वर्क को दोनों बार नहीं कर रहा है, दोनों एक ही सीढ़ी पर चढ़ रहा है, दोनों फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ रहा है। मान लीजिए सीढ़ी इस तरह से, और यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है, जो समझाने के लिए बता रहे हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए मान लीजिए इसको, और एक है बी। तो कोई बच्चा ए है वो चढ़ने में लगाता है 5 मिनट, टाइम टेकन बाय ए। और कोई बच्चा है वो चढ़ने में लगाता है 3 मिनट। तो दोनों को एक ही काम करना है, दोनों को इतना ही हाइट चढ़ना है। लेकिन कोई उस काम को 3 मिनट में कर ले रहा है, कोई उसी काम को 5 मिनट में कर ले रहा है। तो दोनों वर्क सेम कर रहा है लेकिन टाइम अलग अलग है। तो जिसका टाइम कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो पावर का डिफरेंस नहीं होता है कि किसी काम को कितना जल्दी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करें इसका फॉर्मूला का। तो जहां भी बच्चों रेट आता है वहां पर टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो किसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं टाइम टेकन। तो वर्क है यहां पे, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे वर्क, वर्क डन डिवाइडेड बाय। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय। अब इसका ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं फिजिक्स में, जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उसका ऐसा यूनिट होता है। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है कितना, जूल होता है। और टाइम का होता है सेकंड, जो कितना है जूल पर सेकंड। लेकिन जूल पर सेकंड नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाट बोलते हैं। वाट होता है पावर का ऐसा यूनिट, ठीक है। टाइम को रखेंगे सेकंड में, वर्क डन को रखेंगे जूल में, तब बोलेंगे वाट, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि डिफाइन वन वाट, डिफाइन वन वाट, वन वाट को बच्चों डिफाइन करने बोलते हैं। खुद देखिए पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन पावर कितना चाहिए, वन वाट चाहिए, यहां रख दीजिए वन वाट, ठीक है। वर्क कितना है, तो वन इधर है तो इधर भी वन आना चाहिए। इधर वन कैसे आएगा, जो वन जूल वर्क करने में हम 1 सेकेंड लगाएंगे, ठीक है। ये बच्चों हमेशा हर सब कुछ देता है 1 वाट डिफाइन करने। तो जब ये 1 वाट बोलेगा तो 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करेंगे, तो कितना पावर कंज्यूम किए, बोलेंगे कंज्यूम किए, खर्च किए, डिसिपेट किए, बोलेंगे 1 वाट पावर खर्च किए, ठीक है। इसको लिख देते हैं डेफिनेशन में, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। देखो क्या लिखा होगा बच्चों, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंशियल पूछ देता है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर ऐसा ही है, 1 वाट किसको बोलते हैं, ये सब देखें, इसको नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जब भी आप लोग नोट्स लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और तब नोट्स को लिख लीजिए, फिर मिटा देंगे। इसमें और भी काम की बातें बताते हैं।
आवश्यक होता है, ठीक है। कमर्शियल, तो ध्यान से सुनना, ये काम आएगा ध्यान। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो बिजली बिल आता है, तो कोई बिजली बिल हाथ में रख के देखो, उसमें जो रेटिंग रहेगा एनर्जी का, वो एनर्जी का रेटिंग जूल में नहीं रहेगा, वो एनर्जी का रेटिंग ऐसे लिखा रहता है के डब्ल्यू एच, या फिर ऐसा लिखा रहेगा डब्ल्यू एच, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट जूल नहीं लेता वहां पर, एनर्जी का यूनिट है किलो वाट आवर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, किलो वाट आवर, आई ऑब्वियसली कितना है वाट आवर, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट इसमें हम लोग लिखा करता है, इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, है ना। कमर्शियली जो यूनिट यूज होता है एनर्जी का यूनिट, वो वाट आवर या किलो वाट आवर यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब समझना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो किलो वाट आवर जूल में कितना का रिलेशन है, फिर इसका मतलब भी पूछ देगा। जैसे देखिए हम लोग, जैसे हम लोग तो चलिए पढ़ने वाले बच्चे हैं या पढ़ाने वाले, तो हम लोग को पता चल जाता है कि जूल या वगैरह से पता है, लेकिन जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं है या कोई बिजनेसमैन है या दुकानदार है, तो उनको फिजिक्स से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो उनको ये बिजली बिल जो आएगा, उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे सरकार उसे ले रहा है, कैसे पैसा ले रहा है उसे बिजली बिल का। तो किलो वाट आवर मतलब क्या होता है, या वाट आवर मतलब क्या होता है, कि एक घंटा में कितना पावर हम लोग कंज्यूम किए, ये मतलब होता है इसका। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा रहेगा बच्चों वाट आवर, वाट आवर मतलब क्या हुआ ना, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोग पढ़ा था कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन को बच्चों यहां पर एनर्जी भी बोलते हैं, यहां मिटा के लिखता हूं मैं एनर्जी। अब एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम, है ना। अब देखिए पावर का यूनिट अभी पढ़े वाट, यहां पर लिख दिया करते हैं वाट, डब्ल्यू से लिखा दिया, और टाइम को बच्चों सेकंड में ही रखते हैं, टाइम को कमर्शियली हम लोग आवर में रखते हैं, यहां लिख दिया बच्चों आवर, या एच से लिखा दिया, तो यही वाट आवर वहां पर आ गया। तो जैसे मान लो कि एक बल्ब इस तरह से, और इस बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है ना, जब जाओगे बल्ब में तो रेटिंग आता है 220 वोल्ट, 100 वाट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है, इंडिया में 220 वोल्ट का ही ऑपरेटिंग वोल्टेज आता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, और मैक्सिमम 220 वोल्ट है, तो 100 वाट मैक्सिमम पावर ये बल्ब खर्च करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा फ्री एनर्जी में, ठीक है। अब इसी में अगर बच्चों को बोले कि हम इतना एनर्जी हम लोग इसको रोज एक घंटा जलाते हैं, रोज एक घंटा जलाते हैं, और एक घंटा कितने जलाते हैं, हर महीने एक घंटा जलाते हैं, तो 30 दिन में कितना घंटा जलाते हैं, तो 30 दिन में 30 घंटा जलाए, कितना घंटा हो गया 30 घंटा टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया 30 घंटा, और ये वाट कितना है इसका 100 वाट का है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम किए, यहां से देखो एनर्जी कितना होता है वाट इनटू आवर या पावर इनटू टाइम, तो वाट कितना है 100, टाइम कितना लिए 30 घंटा लिए, यहां पर क्या लिखेंगे एनर्जी कितना खर्च हुआ, एनर्जी खर्च हुआ 100 वाट इनटू 30 आवर, कितना आ गया 3000 वाट आवर, इतना एनर्जी इस बल्ब को हम खर्च की, इतना एनर्जी खर्च कर लिया बल्ब एक महीना। अब अगर सरकार आपसे लेगा यूनिट, मान लीजिए यूनिट लेगा, मान लीजिए कि 5 रुपया पर यूनिट, सुनो ना, ऐसे मकान मालिक देता है 5 रुपये पर यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट, 5.5 रुपये पर यूनिट, मान लीजिए 5 रुपये पर यूनिट देता है, तो एक यूनिट मतलब क्या हुआ एक वाट आवर, एक यूनिट मतलब क्या हुआ बच्चों एक वाट आवर। तो यहां से अगर एक वाट आवर का 5 रुपया तुमसे ले रहा है कोई, तो कितना वाट आवर तुमने यूज किया, 3000 किया,
अच्छा इसको कन्वर्ट करो, सॉरी वाट वाट आवर नहीं, 1 किलो वाट आवर होता है ये। इसको तुरंत कन्वर्ट कर लोगे बेटा, तो इसमें किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर कन्वर्ट करके लिख क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो देखो 1000 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 3 किलो वाट आवर आ गया। ठीक, तो 1 किलो वाट का 5 रुपए है, तो 3 किलो वाट कितना होगा, यूनिट में लगाएंगे कितना लगेगा, 15 रुपए। 1 किलोवाट का 5 रुपए, तो 3 किलोवाट का 15 रुपए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे आएगा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराएंगे दोस्तों, और एक टीवी वाला क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, कि आपको यूनिट पूछ देगा, कितना दाम लगेगा पूछ देगा, या कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो पूछ देगा। तो फिर से परिभाषित कर लो, देखो क्या किए, 220 वोल्ट 100 वाट मतलब क्या हुआ, कि अगर ये बल्ब को 220 वोल्ट दिया गया तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट कंज्यूम। ठीक है, और अगर आपसे 5 रुपया पर यूनिट लिया गया तो उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि दुकानदार या जो भी कमर्शियली इसको यूज करता है, हर घर में बल्ब है, हर घर में यूनिट आता है, हर घर में बिजली बिल आता है, तो उनको जूल वगैरह नहीं पता, वो समझते हैं वाट और आवर, कितना घंटा चलाया है और कितना पावर का यूज किया है अप्लायंसेस। तो इसीलिए बच्चों जो भी रेटिंग होता है कमर्शियली, जो बिजली बिल जो बोर्ड ऑफिस देता है, वो बोर्ड ऑफिस कमर्शियल यूनिट यूज करता है, इसका नाम है वाट आवर या किलो वाट आवर। ठीक है, तो कोई बल्ब को अगर हम लोग मान लो 30 दिन में 1 घंटा जलाए, तो 30 घंटा तक जलाए टाइम लगा, तो एनर्जी कितना होगा ये पूछना पड़ेगा, एनर्जी कितना होगा, 100 वाट है, 100 वाट इनटू 30 कितना होगा, 3000 वाट। अब 3000 वाट को 1000 से डिवाइड किए तो किलो वाट में बदल गया। अब ये एक यूनिट का 5 रुपए तुमसे लेता है, एक यूनिट बच्चों कितना हुआ, 1 किलो वाट, तो 3 यूनिट कितना होगा, 15 होगा, यानी 15 रुपया खर्च करेगा, 15 रुपया तुमको बिजली बिल देना पड़ेगा अगर एक बल्ब जला। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब बच्चे एक सवाल इसमें ये पूछ देगा कि किलो वाट आवर और जूल में कितना का रिलेशन, वो भी देख लेते हैं, इसको लिख लो बेटा, देखिए रिलेशन बिटवीन वाट आवर एंड जूल, या वाट और एक किलो वाट आवर दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, तो 1 वाट आवर कितना होगा बेटा, 1 वाट इंटू 1 आवर होगा, 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 वाट आवर। अब ये 1 वाट को वाट में रखना और आवर को बदलो सेकंड में, क्यों बदलो सेकंड में, क्योंकि याद करो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट जो जूल होता है वो कब आएगा, जब टाइम को आप सेकंड में रखोगे, तो आवर को बदलो सेकंड में, तो 60 × 60 कर लेते हैं। अब देखिए 60 × 60 कितना होगा, 36 और 2 0 यहां लगा दीजिए, और ये आ गया बच्चों वाट इंटू सेकेंड, और यहां पर जो है 1 वाट आवर। अब देखो वाट इंटू सेकेंड को क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, कैसे बोलेंगे जूल, यहां देखिए पावर इज इक्वल टू होता था एनर्जी बाय टाइम, अब एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया था, पावर इंटू टाइम, और अगर एनर्जी अगर जूल में तुमको रखना है तो पावर को तुमको वाट में लिखना होगा और टाइम को तुमको सेकंड में लिखना होगा, यही चीज है वाट इंटू सेकंड में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर जूल लिखेंगे। तो देखो रिलेशन यहाँ से आ गया, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर कितना होगा, 3600 जूल, ये रिलेशन आ गया। आइए पूछ देगा तुम देखो, अच्छा ये 1 वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर पूछ देगा कि 1 किलो वाट में कितना जूल होगा, तो किलो वाट मतलब कितना होगा, 1 किलो वाट मतलब कितना होता है बच्चों, 1000 वाट आवर, है ना, किलो में कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 वाट आवर, तो 1 वाट आवर में 3600 जूल, 1 वाट आवर में 3600 जूल, तो 1 किलो वाट में कितना होगा, 1 किलो वाट आवर में कितना आया, 1000 वाट आवर आया। और यहां से 1000 इंटू कितना करोगे, ये वाट आवर का वैल्यू कितना आया,
3600 जूल, ये उठा कर रखो यहाँ पे, इनटू कितना करोगे 3600 जूल, दैट मींस 36 लिख दो और 10 का पावर कितना, 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 जूल, 1 किलोवाट। अच्छा बच्चों ऐसा आंसर नहीं दिया है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, तो इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर दो। अब बच्चों 10 से मल्टीप्लाई है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर रखा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब क्या हुआ बच्चों, कि एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना चाहिए। तो देखो तुरंत कितना आ गया 1 किलोवाट आवर, कितना हो गया 3.6, 10 से डिवाइड किए 3.6, और एक यहां पर 10 का पावर 1, 10 का पावर 5 कितना हो गया 10 का पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन किसे किसके बीच में आया, कमर्शियल यूनिट, दिस इज व्हाट, दिस इज कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनना, कमर्शियल यूनिट। और ये क्या है बच्चों, एसआई यूनिट, ये रिलेशन, ये भी क्या है, ये भी कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, और ये क्या है बच्चों, एसआई यूनिट। तो कमर्शियल और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन, ये कभी कभी प्रूफ भी पूछ देता है बच्चों, तो क्या पढ़े, व्हाट इज पावर, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज 1 वाट, ये सब पढ़े, फिर हम लोग उसमें क्वेश्चन किए, फिर कमर्शियल यूनिट क्या होता है उसका रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज। इसको वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए आप लोग, ठीक है। और हम लोग आगे के लेक्चर में, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आएगा एक इंपॉर्टेंट लॉ, इसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो वीडियो को बने रखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ आपका क्यूरी हो तो उसको पूछ लें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आपको वीडियोस आते रहें। थैंक यू।